Hello everyone, welcome back to my channel EKTA GURNANI. In the morning rush when we are so busy packing our food, जल्दी जल्दी रोटी पैक कर लेती हूँ, ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो गया है, आज फिर डांट पड़ेगी। ये जो सीन अभी आपने देखा, ये नॉर्मली हम लोगों के घर में होता है जब हम ऑफिस के लिए खाना पैक कर रहे होते हैं या अपने बच्चों के लिए लंच पैक कर रहे होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि कितना हार्मफुल है अपने रोटी या पराठे को एल्युमिनियम फॉइल में पैक करना। अगर आपने मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि वीडियो के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। फिर हम बात करेंगे कि एक्सेसिव एल्युमिनियम जब हमारी बॉडी में होता है तो उससे क्या क्या इश्यूज आते हैं, एंड लास्टली मैं आपको कुछ सेफ अल्टरनेटिव्स भी सजेस्ट करूंगी जो हम एल्युमिनियम फॉइल की जगह यूज़ कर सकते हैं अपने फूड को पैक करने के लिए। एल्युमिनियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट मिनरल फाउंड एंड ये नेचुरली भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में आकर करता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिशेस एंड उसके साथ साथ कई मेडिसिंस में भी एल्युमिनियम के ट्रेसेस मिलते हैं। वैसे तो हमारी बॉडी में नेचुरली कैपेबिलिटी होती है एल्युमिनियम को एक्सक्रीट आउट करने की, बट वो भी तब जब वो विद इन सेफ लिमिट्स लिया जाए। एंड विद इन सेफ लिमिट्स का मेरा मतलब है जो नेचुरली अकरिंग एल्युमिनियम है हमारी बॉडी सिर्फ उसको ही एक्सक्रीट कर सकती है। बट अगर हम अपना फूड भी एल्युमिनियम फॉइल में पैक करेंगे या हम कुकवेयर में एल्युमिनियम यूज़ करेंगे तो वो तो एक्सेसिव लिमिट से एक्सीड करता है एंड देन एल्युमिनियम इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। आई गिव यू रीजन्स फॉर इट। सबसे पहला रीज़न है कि ये एक पॉइजन की तरह काम करता है एंड इट इज़ लिंक टू सीरियस नर्वस इश्यूज लाइक अल्जाइमर एंड ऑटिज्म। उसके साथ साथ ये बॉडी में किडनी, लिवर, लंग, थायराइड ग्लैंड में एक्यूमुलेट करता है और ये जो अच्छे मिनरल्स हैं हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत है जैसे कि कैल्शियम, उनके साथ कम्पीट करता है एब्जॉर्प्शन में एंड एज अ रिजल्ट एल्युमिनियम एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाता है कम्पेयर टू आर कैल्शियम। सो अगेन इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब हम बात करेंगे अगर एल्युमिनियम फॉइल नहीं तो ऐसे कौन से सेफ ऑप्शन है जिसमें हम अपने फूड को पैक कर सकते हैं। फर्स्ट सेफ ऑप्शन जो है वो है मसलिन क्लॉथ, बट मैं ये ऑप्शन ज़्यादा इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि मसलिन क्लॉथ में फूड रखने से कई बार फूड में स्मेल आ जाती है और मसलिन क्लॉथ को रीयूज़ करने के लिए वॉश जब हम करते हैं तो मुझे हमेशा ये टेंशन रहती है कि कहीं उसमें जम्स तो नहीं रह गए या उसमें कुछ ट्रेसेस वॉशिंग पाउडर के तो नहीं रह गए, इसलिए आई डोंट यूज़ दिस ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है इस तरीके की किचन रोल्स जो कि सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं, ये एक थिक टिश्यू पेपर कह सकते हैं हम, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कई भरी ये जो टिश्यू के ट्रेसेस हैं वो रोटी या पराठे पे स्टिक हो जाते हैं और फिर बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है उन्हें रिमूव करना और उनके साथ तो हम खा नहीं सकते, इसलिए ये ऑप्शन भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। यह है थर्ड पैकिंग ऑप्शन जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, यह है फूड रैपिंग बटर पेपर। ये भी एल्युमिनियम फॉइल की तरह एक रोल में आता है जिसे हम कट कर सकते हैं अपने यूज़ के हिसाब से अकॉर्डिंगली। इसमें हम अपनी रोटी को रैप कर सकते हैं जैसे कि हम एल्युमिनियम फॉइल में करते हैं। ये मैंने अमेजोन से लिया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और फिर ये जो रैप्ड रोटी है ये हम स्टील के बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आप एक एक्स्ट्रा स्टील टिफिन कैरी नहीं करना चाहते हैं तो आप एल्युमिनियम फॉइल और फूड रैपिंग पेपर का कॉम्बिनेशन यूज़ कर लीजिए। फूड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में बटर पेपर आएगा, उससे ना तो कोई केमिकल लीच होगा, इंसुलेटिंग लेयर बन जाएगी एल्युमिनियम फॉइल की, फूड वार्म भी रहेगा। इस पेपर की सबसे अच्छी बात है कि ये खाने से स्टिक नहीं होता और कोई स्मेल भी नहीं आती। आई होप आपने जो अभी अभी देखा उसके बाद आप अपने फूड को एल्युमिनियम फॉइल में पैक नहीं करेंगे एंड यूज़ करेंगे कुछ सेफ़र और बेटर ऑल्टरनेटिव्स अपने फूड को पैक करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी अपने फूड को एल्युमिनियम फॉइल में पैक ना करें। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके कुछ और टॉपिक्स भी बता सकते हैं जिस पे आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स ऑल्सो। और मेरे चैनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियो के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड, बाय बाय।